आगरा के संजय प्लेस स्थित संजय टॉकीज में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने आए लोगों का अपना दल के कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर सम्मान किया और कहा कि जितने भी लोग यह फिल्म देखने आए हैं ये बताते हैं कि इनके लिए राष्ट्रहित जरूरी है और ये राष्ट्रवादी जनता है। आगरा के संजय टॉकीज में द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने आए लोगों का अपना दल के कार्यकर्ता व वरिष्ठ पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर सम्मान किया और उनका धन्यवाद दिया कि वह ये फिल्म देखने आए। अपना दल के पदाधिकारियों ने बताया कि ये लोग जो फिल्म देखने आए हैं ये आगरा की आम जनता नहीं है, ये राष्ट्रवादी जनता है। ये जानते हैं कि द कश्मीर फाइल्स न केवल कश्मीरी पंडितों पर बल्कि कश्मीरी हिंदुओं पर पाक परस्ती आतंकवादियों द्वारा अत्याचार को दर्शाने वाली मूवी है और ये फिल्म बताती है कि ऐसा क्या हुआ कि जिन लोगों का वहां आशियाना हुआ करता था, जहां के हिंदुओं के पास सेब की फसल थी, उनको वहां से क्यों मार मार कर भगाया गया, पिछली सरकार ने आखिर क्यों उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आगे कहा कि सलमान की आने वाली फिल्म पठान की इस तरह धज्जियां उड़ाएंगे कि जिस तरह इन लोगों ने हमारी फिल्म को लगने से रोक दिया था, और जनता से अपील की है कि अपने घर का खर्च कम कीजिए लेकिन इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखने जरूर आइए। मैं हिंदुस्तान का नागरिक गोपाल सिंह चाहत, देशभक्त नागरिक गोपाल सिंह चाहत, आज संजय सिनेमा में मैं भारत के लोगों से जो देश के संविधान का आदर करते हैं, जो देश की एकता अखंडता की कामना करते हैं, ऐसी सभी लोगों के लिए आज जो पिक्चर सिनेमा हॉल में लग रही है बहुत बढ़िया पिक्चर है द कश्मीर फाइल्स। इस पिक्चर को देखिएगा और देश की एकता अखंडता को आप बड़ी ताकत के संग स्ट्रांग बनाइएगा, मजबूत बनाइएगा। इसमें मेरा कहना है कि 1990 के दशक में जिस प्रकार से कश्मीर का पंडित नहीं, कश्मीर के पंडित प्लस हिंदू समाज के हर वो शख्स जिसको मुस्लिम आतंकवाद ने परेशान किया था, त्राई त्राई किया था, एक एक हिंदू किसान वहाँ 70-70 बीघे सेब का मालिक था, उन लोगों को रातों रात अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, अपनी बच्चियाँ अपनी बेटियाँ उन पाक परस्त आतंकवादियों के हवाले करनी पड़ी। यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और तथाकथित कांग्रेस के उस समय के नेता मुस्लिम पराकाष्ठा को पार करते हुए चुप्पी साधी। आर्मी भी वही थी, फौज भी वही थी, प्रशासन भी वही था, देश भी वही था, इसके बाद भी पलायन क्यों हुआ, यह सवाल है। आज हम सब लोग एक साथ मिलकर इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर के जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं अग्रोत्री साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि इस पिक्चर की आमदनी से मैं जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा पैसा दूंगा। मैं उनके लिए धन्यवाद और मैं पूर्वी भी महानगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का या प्रचार प्रमुख पूरी महानगर का, जिस प्रकार से ये पिक्चर आई है कश्मीर फाइल्स, एक नाम से ही प्रसिद्ध है, जिसने हिंदू समाज में एक जागृति का काम किया है। 1989 में कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से कश्मीर पंडितों का अत्याचार किया और अत्याचार करने के बाद उनकी कोई सुध भी नहीं लगी, ये पिक्चर ये प्रदर्शित करती है कि उस समाज में जितना उत्पीड़न हुआ है, जितना वो हुआ है, उसका प्रतिकार हिंदू समाज देगा। लेकिन मैं उन जो प्रोड्यूसर हैं और जो निर्माता हैं उनके जितने भी कलाकार हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने ये पिक्चर बनाई है, ऐसी पिक्चर एक समाज में जागृति का काम करती हैं। विवेक अग्नोत्री जी, अनुपम खेर जी और जितने भी कलाकार हैं बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा है कि ये पिक्चर बहुत कम बजट में बनी है और इससे बहुत बड़ा जो पैसा आएगा वो मैं कश्मीर पंडितों के निर्माण और उत्थान में लगाऊंगा। लेकिन एक जिस प्रकार से एक जागृति आई है, एक समाज में एक पॉजिटिव निष्ठा ऐसा आया है, हम ये प्रयास करते हैं कि ऐसी पिक्चर समाज में बने जो एक समाज को जागृति से काम करने का, एक उठाने का काम करें, देश हित में काम करें। लॉकडाउन के बाद ये पहली पिक्चर आई है जो समाज को एकजुट करती है, सभी पब्लिक दिखाई दे रही है यहाँ पर।